अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक दीवार उसमें कितने कंक्रीट के ब्लॉक लगते हैं, कितनी क्वांटिटी लगती है। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ ब्लॉक इन वॉल। हाइट और थिकनेस हमें मालूम होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम दीवार का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस तरह वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने के लिए हमारे पास एक दीवार है, 300 फुट उसकी लेंथ है, 10 फुट उसकी हाइट है और 8 इंची उसकी थिकनेस है मोटाई। इसका हम आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो कि वॉल्यूम आता है 2010 CFT। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया। इसके बाद दूसरी चीज़, हम एक ब्लॉक जो है उसका जो साइज़ है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। आम तौर पर जो ब्लॉक यूज़ होते हैं उनका जो वॉल्यूम है 12 इंच, 8 इंच और 4 इंच होता है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आ जाएगा 0.2211 CFT। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आ गया। वॉल्यूम ऑफ वॉल और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक की मदद से हम टोटल ब्लॉक्स निकाल लेंगे कि एक दीवार में कितने ब्लॉक्स लगते हैं। हम वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक के साथ, इस तरह हमारे पास टोटल ब्लॉक आ जाएंगे। जो कि 9090 ब्लॉक आते हैं। हम इस ब्लॉक में से डिडक्शन ऑफ मोटर हमें माइनस करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 15% होता है। टोटल ब्लॉक में से 9090 ब्लॉक में से डिडक्शन 15% माइनस कर देंगे तो हमारे पास साफ़ी टोटल ब्लॉक्स आ जाएंगे कि एक दीवार में कितनी क्वांटिटी में ब्लॉक लगते हैं। 9090 माइनस 15%, ये हमारे पास 7726 ब्लॉक आ जाते हैं टोटल। वॉल्यूम ऑफ वॉल 300 फुट, 10 फुट और 8 इंची वॉल में बस 7726 ब्लॉक आते हैं।